नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। बॉर्डर पर रास्ते बंद होने से परेशान ग्रामीण मुख्यमंत्री से मिले पल पल। चंडीगढ़ से खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से वीरवार को चंडीगढ़ में दिल्ली के लगते सिद्धू बॉर्डर और टेकरी बॉर्डर के आसपास के 20 से अधिक गांवों के लोगों ने मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की। उनकी समस्याओं को सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बॉर्डर के रास्ते खुलवाने का पूरा प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा और हमारा ध्येय माहौल को ठीक बनाए रखने में रास्ते खुलवाना है। आज ही सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खुलवाने की याचिका में संयुक्त किसान मोर्चा को पार्टी बनाए जाने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि व्यापारी और दुकानदारों को हो रहे नुकसान को लेकर के भी चिंतित हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि गाँव से होकर के गुजरने वाले लिंक सड़कों को ठीक करवाने के लिए संबंधित विभागों को आदेश देकर के प्राथमिकता में काम करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 4 अक्टूबर को इस संबंध में कोर्ट का फैसला आने की उम्मीद है। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री से मिलेंगे और जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। बंद रास्तों के कारण हो रही परेशानी बॉर्डर क्षेत्र के लोगों में बेहद आक्रोश है। ग्रामीणों ने एक एक करके अपनी परेशानियों से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि रास्ते बंद होने के कारण वे बर्बादी की कगार पर आ चुके हैं। मुख्यमंत्री ने सभी की परेशानी सुनकर के उन्हें जल्द सुलझाने का आश्वासन भी दिया। साथ ही आसपास के क्षेत्र में छोटे दुकानदारों को भी अपनी परेशानी को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा और उन्होंने कहा कि बॉर्डर के पास जो भी दुकानदार और शोरूम मालिक हैं उनके पूरे काम धंधे ठप पड़ गए हैं और सरकार भी इससे अवगत है। उन्होंने कहा कि हालांकि कामकाज ठप होने के कारण लोगों के सामने पलायन करने की स्थिति तक आ गई है। यहाँ पर ग्रामीणों ने रास्ते बंद कर दिए हैं जो कि स्थानीय लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुका है। आए दिन मारपीट की घटनाएं भी होती रहती हैं। आने जाने वालों के लिए रास्ता दुश्वार हो गया है। ग्रामीणों ने दिन रात दोनों वक्त पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग की है, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि तुरंत पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी, जिसमें ग्रामीणों ने कहा कि बॉर्डर के रास्ते पर बंद होने के कारण आसपास के गाँव में बच्चों को स्कूल जाना भी मुश्किल हो गया है। इससे बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। वहीं प्रतिनिधिमंडल में शामिल कई ट्रांसपोर्टरों ने बताया कि रास्ते बंद होने के कारण ट्रांसपोर्ट का काम भी बिल्कुल ठप पड़ चुका है। मुख्य रास्ता बंद है, वहीं आसपास के रास्तों में हालात इतनी ख़राब है कि नई गाड़ियां भी खराब हो रही हैं और रास्ता खुलवाने पर लोग झगड़ा करते हैं। राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच की टीम आज पूरी यहाँ पे पहुंची है। तकरीबन यहाँ पर हमारे 20 गाँव के प्रतिनिधि पहुंचे हैं, जिसमें सरपंच है, पंच है, मार्केट एसोसिएशन के बंदे हैं। सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर दोनों बॉर्डर से यहाँ पे लोग पहुंचे हैं, जो पीड़ित पक्ष है, जो सबसे बड़ा पीड़ित पक्ष है, जो पिछले 10 महीने से आतंकी भोग रहा है, एक तरीके से जो परेशान हो रखा है। वो सीएम साहब को बड़ी बात कहने के लिए पहुंचे थे कि भाई एक लिमिट क्रॉस हो चुकी है, अब सरकार को इस बारे में कम से कम कुछ एक्शन लेना चाहिए। किसी भी प्रकार से एक तरफ का रास्ता खुलवा के आम जीवन को सुचारू रूप से चलने के लिए स्थान जरूर देना चाहिए। सीएम साहब ने यह कहा कि भाई वो उस चीज के लिए पूरी तरीके से कार्यरत है, वो काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी तरफ से आश्वासन दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट की कुछ समय का वेट करेंगे और जो भी उस समय पे संभव होगा वो प्रयास जरूर करेंगे। उनकी तरफ से आश्वासन है कि एक तरफ का रास्ता खुलवाने के लिए वो कार्य जरूर करेंगे।